दोस्तों मैं गोविंद माली, सबसे पहले आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई। तो दोस्तों आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें जो पेंशनधारी है राजस्थान में, जितने भी पेंशनधारी है, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो या विधवा पेंशन हो या विशेष योग्यजन के जो पेंशनधारी है, उनको हर साल भौतिक सत्यापन करवाना जरूरी होता है। जो इस साल का भौतिक सत्यापन करवाने का जो काम है वो शुरू हो गया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में जो पेंशन सत्यापन का जो काम है वो शुरू हो गया है, जिसके लिए आपको भौतिक सत्यापन करवाने के लिए आपको नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जाना होता है। यानी कि आपको बता दूं कि भौतिक सत्यापन करवाने पर ही आपकी पेंशन शुरू रहती है। आपका भौतिक सत्यापन नहीं होता है तो आपकी जो पेंशन है, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो या विधवा पेंशन हो या विशेष योग्यजन पेंशन हो, वो आपकी पेंशन बंद भी हो सकती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको नजदीकी मित्र केंद्र पर जाने के लिए आपको जिन जिन डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, यानी कि भौतिक सत्यापन करवाने के लिए जिन जिन डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट रहेगा आपका जन्म आधार कार्ड, आधार कार्ड और पेंशन का ऑडिट, यानी कि तीन डॉक्यूमेंट के साथ में आपको नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जाना होगा। इसके लिए आपको स्वयं, यानी कि जो पेंशनधारी है वो उनको स्वयं को जाना जरूरी है, क्योंकि उनका एक फिंगरप्रिंट या आई स्कैनर लिया जाता है, उसके माध्यम से ही आपका भौतिक सत्यापन किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके जो पेंशनधारी है उनको जरूर जागरूक करना, ताकि उनकी उनकी जो पेंशन है वो शुरू रह सके। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल बनना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।